याली मदद बताने पड़ी थी। आपने बहुत नसीबदार छे कि आपने साथे आजे अपना बाहोश अलवाइज डॉक्टर राय अलवाइज अबू अली अजीज आपने साथे छे। अलवाइज भी जितनी पर बातों करी है कि हमने इंट्रोडक्शन आपी है એટલું પૂરતું નથી કે જેણે પોતાની આખી જિંદગી મૌલાના હાજરીમામની સેવાની અંદર આપેલી છે અને તમારી જાણ માટે પ્રિસાઇસલી 68 યર્સથી ખુદાવંદ મૌલાના હાજરીમામની સેવા કરતા આવેલા છે। બહુ જ નસીબદાર જીવ છે, આપણે પણ નસીબદાર છીએ કે આપણને એમના સાથે એમની વાઇફનો લાભ મળે છે। દુનિયાની ખૂણે ખૂણાની અંદર લગભગ 100 કન્ટ્રીથી પણ વધારે દેશોની અંદર ફરીને હજારોની વાઇઝો અલવાઇઝે કરેલી છે અને આપણે બહુ જ નસીબદાર છીએ। અને હમણાં ટૂંકની અંદર થોડા વખત પહેલાં ટોરોન્ટોની અંદર એમના માનની અંદર એમને બહુ જ મોટું એપ્રિસિએશન આપણી જમાતો અને અલવાઇઝનો તરફથી એમને આપવાની અંદર આવેલું હતું। મુબારકી છે તમને એન્ડ આઈ રિક્વેસ્ટ અલવાઇઝા બોલે। पहले आप सबको ईद की मुबारक, नए साल की मुबारक, गोल्डन जुबली की मुबारक और हज़र इमाम जुदी जुदी जमातों में जाके दीदार की मुबारक और जो आने वाला इस बरस के अंदर जो बनाव बनने वाले हैं ये एक हिस्टोरिकल चीज़ होगी और इन सब के लिए मैं आपके लिए दुआएं मांगता हूँ कि मौला आपको इमाम और उसकी मेहरबानियों का बदला और इवज दे, सुखी रहो आबाद रहो। राय फतेह ने मुझे याद कराया कि इस बरस के अंदर गोल्डन जुबली है। मैं इसके मुतालिक कुछ कहूंगा लेकिन अभी नहीं। दीनदारों, सारी जिंदगी गिनानों के अंदर ओत परोत होते होते निकाली और वल्ला बिल्ला अगर कोई आदमी गिनान समझ सकता है तो क्या होने वाला है, क्या हो चुका है और क्यों हुआ, गिनानों में उसके आंसर्स हैं, जवाब है। हमारे पीरों ने जो कमाल किया है लोग अभी तक उसको समझे नहीं। हमारे स्कॉलर्स ने और हमारे दूसरे बहुत से भक्तों ने इस बात के ऊपर जोर लगाया कि हमको इस्माइली मज़हब में दाखिल करने के लिए गिनान रचे गए। गिनान इसलिए नहीं रचे गए, हिंदुओं को मुसलमान बनाने के लिए गिनान नहीं रचे गए। मैंने अपनी वाज़ों के अंदर इस बात का खुलासा किया है और अभी इस वक्त आप में कुछ ऐसे लोग बैठे भी हैं कि जिनके जिन्होंने शायद मेरी आवाज़ें सुनी होंगी। ए मोमिनों, कुरान शरीफ की जो अभी आयतें पढ़ी गई, खुदा रहमान है, बख्शने वाला,
उसने इंसान को पैदा किया और इंसान को बयान सिखाया। अभी बयान बहुत बड़ा लफ्ज है, आदमी का बोलना ये भी बयान है, आदमी का सुनना ये भी बयान है, आदमी का जो इल्म है वो भी बयान है, किसी हकीकत को जानना बयान है। हमारे लिए पैगंबरों के थ्रू से, नबियों की मारिफत से इल्म पैदा किया। खुदा ने इल्म सिर्फ इंसान को दिया है, इवन फरिश्तों के पास इल्म नहीं है। अगरचे फरिश्ते नूर से पैदा हुए हैं, लेकिन इल्म इंसान को दिया। और ये हकीकत समझने के लिए हजरत आदम की स्टोरी कुरान में पढ़ो तो पता लगे कि इल्म क्या चीज। इल्म नूर है। इस इल्म को पैगंबरों की मारिफत जमीन पे खुदा भेजता रहा भेजता रहा, लाखों बरस निकल गए और आखिर नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके ऊपर ये इल्म को ख़त्म किया। क़ुरान उतार के तमाम जितने भी खुदा ने नबियों की मारिफत सहीफे भेजे थे उन सब को कंसाइज फॉर्म के अंदर क़ुरान के अंदर समो दिया। 1,24,000 नबियों के ऊपर जो कुछ भी उतरा वो सब कुछ कुरान के अंदर मौजूद है। और कुरान ऐसी किताब नहीं है कि जिस तरह नावल पढ़ा जाता है इस तरह से पढ़ जाए। कुरान के अंदर बहुत ब्रीफ चीज़ें हैं, उनको एलेबोरेट करना, एक्सप्लेन करना, समझना उस परवरदिगार की मर्जी के बगैर नहीं होता, और उसके लिए उस्ताद चाहिए। जब रसूल अल्लाह अपनी नबूवत को जाहिर कर चुके तो दुख में पड़ गए। इसके पहले वहां के कुरैश और अरब हजरत मोहम्मद की 40 बरस की उम्र तक नबूवत जब तक जाहिर नहीं की तब तक बड़ी इज्जत करते थे। यहां तक कि अगर दो आदमी झगड़ते थे तो फैसले के लिए कहते थे चलो मोहम्मद के पास चले। लेकिन जब आपने अपनी नबूवत जाहिर की तो दुख में पड़ गए, ये सब दुश्मन हो गए। और ख़ास तौर पे नबी साहब के जो सगे कुटुंबी थे और कबीला कुरैश था, सब के सब दुश्मन बन गए। मगर आपने काम करना था, काम किया। 23 बरस लड़ते रहे और 23 बरस तक हुजूर ने अपने नबूवत का काम किया। आखिर सब के सर झुक गए। अली की तलवार जो न होती तो रसूल पाक कामयाब न होते, क्योंकि ये सब अखड़ लोग थे, वाशी थे, जंगली थे। इन लोगों के साथ लड़ने के लिए ताकत और जोर की जरूरत थी। और राइट बिगिनिंग से ही, बचपन से ही, बल्कि बेबीहुड से मुर्तजाली की ताकत जाहिर होती थी। नबी साहब झूले में सोए हैं, क्रेडल में, इधर उधर से
एक पाइथन आ गया, अजगर आ गया, उसने ऐसा मुंह ऊंचा किया, मुर्तजाली की आंख खुली हुई। जैसे ही उसने मुंह ऊंचा किया, हालांकि आपकी उम्र 6 महीने से भी कम थी, मुर्तजाली 6 महीने से भी कम उम्र के थे, ऐसा हाथ किया, उसकी गर्दन को पकड़ लिया। अली के हाथों से ये जो पाइथन था उसका मुंह बड़ा था, लेकिन गर्दन से उसको पकड़ लिया और उसको इस कदर जोर से दबाया कि उसका मुंह खुल गया और दूसरे हाथ का अंगूठा अंदर डाल के 2 अंगूठों से उसको चीर डाला। हो सकता है, पॉसिबल है 5-6 महीने का बच्चा ऐसा कर सके? लेकिन अली ने किया। और जब माँ बाहर से आई तो घबरा गई, देखा तो अली सोया है। उस वक्त माँ ने इसको नाम रखा हैदर। इस छोटी उम्र से मैंने ये वाकया इसलिए बताया है कि पंघूड़े से यानी झूले से आपकी ये निशान नजर आते थे। ये ताकत कहां से आती थी? ये इलाही ताकत थी। एक दफा हुजूर मौला मुर्तजा अली 5 बरस की उम्र में लड़कों से खेल रहे थे। इस ग्रुप के अंदर 10-10, 12-12 बरस के लड़के भी थे। तो कोई ऐसा अखड़ लड़का था कि जो अपने आप को बहुत समझता था, किसी बात के ऊपर तकरार हो गई, मुर्तजा अली ने उसको पकड़ के मारा। उसकी फेवर में दूसरे लोग आए, मुर्तजा अली ने एक एक को पकड़ के सबको मारा, किसी की नाक तोड़ दी, किसी का कान तोड़ दिया, किसी का माथा तोड़ दिया। सब रोते रोते अपने घरों पे गए, क्या हुआ क्या हुआ? कफ़न्ना अली, अली ने हमको तोड़ फोड़ दिया। ये जो लफ्ज़ है कफ़न्ना, उसका मतलब है किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना। अली ने हमको तोड़ फोड़ दिया, कफ़न्ना अली। ये अली थे जिसने इस्लाम को बचाया, बल्कि इस्लाम को फैलाया, वो मुर्तजा अली थे। 12 बरस की उम्र है, मुर्तजा अली को रसूलुल्लाह कहते हैं, या अली अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं अभी अपनी नबूवत को जाहिर करूं। बाज़ किताबों में 10 की उम्र है, बाज़ में 12 की उम्र है, लेकिन एक बात तो ज़रूर, नबी से 30 बरस छोटे थे, रसूलुल्लाह 30 बरस छोटे थे, रसूलुल्लाह 40 बरस के थे, मुर्तजा अली 10 बरस के थे। भाई दावत करो, दावत है अशीर का बंदोबस्त करो या अली। अच्छा, दावत की, 40 आदमी के जो सारा बकरा खा जावे, छोटा सा, ऐसे आदमी, मामा चाचा नाना ताया ये सब रिश्तेदार थे, सबको बुला के दावत में क्या रखा? 5 रोटियां, 1 दूध का प्याला, बकरे की, गाय की नहीं, बकरे की 1 टांग। तो एक चाचा कहता है, मोहम्मद क्या मजाक के लिए बुलाया? ये तो एक आदमी को पूरा नहीं है और 40 जने हैं। चाचा अब शुरू तो करो, दूसरा भी बहुत कुछ है, आता है। यहां से शुरू किया, थोड़ा सा गोश्त लिया,
रोटी का टुकड़ा डाला मुंह में, दूध का एक घूंट पिया, बाजू में पास हो गया, पास होता रहा, दूसरा चक्कर चला, तीसरा चक्कर चला, चौथा चक्कर चला, 10-12 चक्कर चल गए, सबके पेट भर गए, कुछ और चाचा बस एक दूसरे का मुंह देखते हैं, अभी तक थोड़ा गोश्त बाकी है, अभी तक दूध का थोड़ा प्याले में निशान बाकी है, आधी पौनी रोटी बाकी है। मोहम्मद बोला, कैसा जादू किया तूने, क्या जादूगर है। लेकिन जो मुझे कहना था वो ये है, खा चुके रसूल पाक खड़े हुए, चाचा मामा सबको सलाम किया कि खुदा ने मुझे नबी बना के भेजा है और मैं तुम सबको दावत देता हूँ कि मुसलमान बनो, मेरे हाथ पे बयत करो, मेरे को रसूल मानो, और मैं इस काम के लिए आप में से किसी की मदद चाहता हूँ। कोई नहीं उठा, अली खड़े हुए, कहते या मोहम्मद मैं आपकी मदद करूँगा। फरमाया बैठ जा। फिर दोबारा पूछे, फिर भी अली खड़े हुए, तीसरी दफा भी अली खड़े हुए, कहने लगे या रसूलुल्लाह मैं आपकी मदद करूँगा, भले मेरी टांगे पतली सी हैं लेकिन मैं जो आपका दुश्मन बनेगा मैं उसका पेट फाड़ दूंगा। सब उठ के हा 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 खी खी करके चले गए, एक 40 बरस का, एक 10 बरस का, इन दो ने सारी दुनिया को चेंज करने के लिए बीड़ा उठाया, और जाहिर हुआ है कि इन दोनों ने काम पूरा किया। ये सब के सब या मर गए या मोहम्मद का कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। आपको यह हिस्ट्री इसलिए बयान करता हूं कि मुझे डायमंड जुबली हाजर इमाम की गोल्डन जुबली की कुछ बात करनी है, उसके लिए ये चीज जाननी जरूरी है। ये गोल्डन जुबली अभी अभी निकली है ऐसा नहीं, ये तो 2,000-3,000-5,000 साल पहले से इन चीजों के इशारे हुए हैं। आप कभी इल्म पढ़ो तो आपको हैरानी होती है, इस तरह इस्लाम शुरू हुआ। नबी करीम की वफात तक 5 लाख आदमी इस मुसलमान हो चुके थे, 2 लाख मदीने में थे, भले उनके अंदर बहुत से यहूदी थे, यहूदी बहुत कम मुसलमान हुए, क्रिश्चियन भी बहुत थे, मगर जब नबी करीम ने वफात पाई तो अली के दुश्मन बहुत हो गए थे। अली के दुश्मनों में सबसे बड़े दुश्मन जो थे उन्हीं के जो सुहाबी और कंपेनियन थे रसूलुल्लाह के, वो अली के दुश्मन थे। और यहां फांटा पड़ गया, अली का छोटा सा ग्रुप अलग हो गया और खलीफाओं का बहुत बड़ा ग्रुप, सारे जितने भी मुसलमान थे वो 99% खलीफा की तरफ चले गए। अभी जो अली के पास जो इल्म था उसको अपने मुरीदों को देने के लिए वक्त नहीं था। अली के 5 बरस खिलाफत के लड़ाइयों में निकले, जानबूझ के लड़ाइयां करवाई गई। एनीवे, जो इल्म देना था वो नहीं मिला, हालांकि बहुत कुछ इल्म मिला सुलेमान फारस के थ्रू से, अबू जर गफारी के थ्रू से, सासा बिन सोहान के थ्रू से। ये कुछ ऐसे लोग थे नज़दीक के जो एक दूसरे से इल्म रखते थे। सुलेमान को तैयार करने के लिए अली मुर्तजा ने बड़ी बख्शिशें की। सुलेमान फारस
इस्लाम के आलिमों ने ईमान के 10 दर्जे रखे हैं। सुलेमान को 10वें दर्जे पे समझा गया है क्योंकि वो अहले बैत में दाखिल हुए, उससे नीचे उतरते हुए अबू ज़र ग़फ़ारी भी थे। इन लोगों के पास रूहानी सीक्रेट इल्म था कि जो मुर्तज़ा अली से और मौला अली अलैहिस्सलाम की मेहरबानी से रसूलुल्लाह से मिला। नबी अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये लोग थे जो असहाब थे, 10 असहाब के जो लोगों को इमामत की शनाख्त दिलाया करते थे। मुआविया की वजह से, बनी उमैया की वजह से मज़हब सीक्रेट हो गया। ये इस्माइली मज़हब था, उस वक़्त नाम इस्माइली नहीं था लेकिन इस्माइली मज़हब था इमामत की शनाख्त की वजह से। इस तरह से ये चलता रहा। मुर्तज़ा अली शहीद हुए, हज़रत इमाम पीर हसन शहीद हुए, इमाम हुसैन शहीद हुए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहीद हुए। इमाम मोहम्मद बाकर को थोड़ा टाइम मिला कि इल्म लिखने और सिखाने का, मगर इमाम जाफर सादिक का जो टाइम था वो बहुत गोल्डन टाइम था। इमाम जाफर सादिक को ये टाइम मिला कि उन्होंने बहुत कुछ इल्म लिखा और लिखवाया। बड़े बड़े आलिम इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे। अबू हनीफा जो सुन्नियों का इमाम है, सुन्नियों में जो 4 इमाम हैं उनके अंदर अबू हनीफा हनफी है, ये इमाम जाफर सादिक का शागिर्द था। इस तरह इमाम जाफर सादिक ने इल्म की बुनियाद रखी, एक यूनिवर्सिटी बनाई, उसके पहले कॉलेज बनाया, जामिया बनाई, जो जामिया यानी यूनिवर्सिटी, और इस तरह इल्म की बुनियाद रखी है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे इमामों को वक्त मिला काम करते रहे, लेकिन दुश्मन बहुत थे, बहुत ज़्यादा काम न हो सका। लेकिन कुछ टाइम के बाद हमारे 11वें इमाम मौलाना मोहम्मद अल-मैदी मोरक्को में उन्होंने तख्त पे पांव रखा और इस्माइली राज शुरू हुआ मोरक्को से, और ये इधर से ट्यूनिशिया, अल्जीरिया, लीबिया, इजिप्ट में आके यहाँ हमारी फातिमी सल्तनत शुरू हुई। 250 बरस की ये जो फातिमी सल्तनत थी इसके अंदर इल्म का बहुत फैलावा हुआ, बहुत फैलावा, और इस पे ख़ास तौर पे इमाम हाकिम के टाइम में। साथ साथ इमामों को सब मालूम था, साथ साथ इधर इमाम मुस्तरसर बिल्ला का वारा आया और उधर हसन बिन सबा ने आलमूत में अपना राज कायम किया। जब यहाँ मुस्ते अली तख्त के ऊपर बैठ गया तो जो इस्माइली था वो इधर से निकल के इमामत भी वहाँ चली गई। अब देखो इस वक्त इमाम मुस्तरसर बिल्ला के टाइम में इधर वहाँ आलमूत में काम काज हुआ और इमाम ने हमारे पीर सदगुर नूर को हिंदुस्तान भेजा, दो जगह इल्म शुरू हो गया। आलमूत के अंदर 171 ईयर्स की जो राज था हमारा, उसके अंदर हमारा बहुत सा हिस्सा जो था इल्म का वो मुस्ते अली के हाथ में चला गया, बोहरों के पास है आज वो, फातिमी टाइम का जो लिटरेचर है वो बोहरों के पास है। लेकिन हमारे दाइयों ने आलमूत के अंदर फिर से उसको लिखना शुरू किया, अरबी और फारसी दोनों में लिखना शुरू किया, और यहाँ हिंदुस्तान के अंदर हमारे पीरों ने लिखना शुरू किया। गिनान जो है वो इल्म है कि जो फातिमी टाइम के अंदर बोहरों के हाथ में चला गया,
और आलमूत के अंदर हलाकू खान ने बर्बाद कर दिया, जला दिया, लेकिन हिंदुस्तान में बच गया। गिनान वो इल्म है कि जिसमें जमीन आसमान का इल्म मौजूद है। पीरों ने कमाल किया कि ये बर्बाद ना हो जाए। 24 जबानें यूज करके, 24 भाषाएं यूज करके पीरों ने गिनान बनाया है। एक एक पाठ के अंदर चार पांच लैंग्वेजेस है। और ये करने की जरूरत ये पड़ी कि आम लोग इसको यूज न कर सके। आम लोग गिनानों को पढ़ नहीं सकते, खोजे नहीं पढ़ सकते, दूसरे का पढ़ेंगे। 15-20 गिनान हैं जो हम जमात खाना में पढ़ते हैं, बाकी किताबों में पढ़े हैं। और हमारे पीरों ने, शमस माँ बाप ने खोज की कैरेक्टर स्टार्ट किया, सदरुद्दीन ने उसको इम्प्रूव किया, और ये खोज की के अंदर सारा हमारा शास्त्र मौजूद है। बाद में मुखी लाल जी देवराज के बाद कुछ गुजराती के अंदर, गुजराती कैरेक्टर के अंदर गिनान वगैरह छापे गए, लेकिन अभी तक सारा शास्त्र गुजराती में नहीं आया, अभी भी खोजकी में। और अभी तो खोजकी पाकिस्तानियों ने भी पढ़नी बंद कर दी, हालांकि ये ओरिजिनली सिंध की जबान है। हमने अपने हाथों से अपने खजाने को दफन कर दिया है, गिनान भूल गए। 5-10 गिनान है, और वह भी जमात खानों के अंदर चार पाठ बोलना, तीन पाठ बोलना। आज हालत यह है कि गिनान से मस्ती हो रही है और गिनानों में जो इल्म है वो हम भूल गए। मैं इसके ऊपर सारा लेक्चर नहीं दे सकता, मुझे जो कहना था वो मैं कह चुका। अब जो मुझे कहना है वो ये है, गिनानों ने जो इशारे किए हुए हैं कि ऐसा वक्त आएगा कि दुनिया के अंदर दो ग्रुप होंगे, एक कम्युनिस्ट और एक नॉन कम्युनिस्ट। उसमें कम्युनिस्ट नाम नहीं है, दैत कालिंगा का नाम है, और दैत कालिंगा चीन में होगा, उसकी निशानियां दी हुई है। वो क्या करेगा उसकी डिटेल दी हुई है। फिर क्या होगा, दुनिया ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ जाएगी और कम से कम दुनिया इमाम की साइड में रहेगी। और इमाम को जो मानने वाले होंगे वो भी ऊपर ऊपर से ही मानेंगे, दिल से कोई नहीं मानेगा। मजहब को तोड़ फोड़ देंगे, और तोड़ फोड़ रहे हैं हम लोग अभी। ये तस्बीह निकाल डालो, लैंप निकाल डालो, ये कर डालो, वो कर डालो, हम लोग अपने मजहब को खुद तोड़ फोड़ रहे हैं। और ये बर्बादी की निशानियां हैं। 12-13 साल पहले मैंने कैलगरी में एक वाइज की थी, अला मेरिया, इस सेंचुरी के अंदर हमारे मजहब में, हमारी जमात में से बहुत से लोग निकल जाएंगे, निकल जाएंगे। आज भी जमात खाने में जितने आदमी आते हैं उनमें कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो नियाज नहीं पीते, सुकरीत नहीं खाते, ऐसे लोग भी हैं कि ऐसे दुआ में बैठे रहते हैं, जब इशा जो दीदार आता है तो ऐसा दे देते हैं, वो लोग अभी सजदा नहीं करते। ऐसे जमात खाने में लोग हैं क्योंकि ईमान नहीं है, और बैठे हैं इसलिए यारी दोस्ती या सगपन। इन तमाम निशानियों के साथ आपको बड़ी उम्र के लोग होंगे जिनको कुछ थोड़ा याद होगा, जब वो इंडिया आए तो गवर्नमेंट के पेपर्स में कुछ नाम था, अलीशा का नाम था, हिजानिस का टाइटल मिला, तो हिंदुस्तान के अंदर थोड़ा सा पता लगा
के आगा खान खानदान है। असनल शाह अली शाह की वफात हो गई, सुल्तान महमूद शाह 8 बरस के थे। पहली दफा अगर हिंदुस्तान के पेपरों में कोई चीज आई तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की सुल्तान महमूद शाह ने, एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई थी, इसके बाद मुस्लिम लीग की स्थापना की तो मुस्लिम लीग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी, इसकी न्यूज़ पेपर्स में हिंदुस्तान के पेपर्स में आई और मौलाना सुल्तान महमूद शाह का नाम आया। लेकिन अफगानिस्तान में के यूरोप के अंदर लोगों को कुछ पता नहीं है कि आगा खान कौन है। फिर थोड़ा आगे चला, 1911 में सुल्तान महमूद शाह ने अलीगढ़ को कॉलेज बनाया और कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाई। फिर थोड़ा सा वापस आया, मुस्लिम लीग की बातें आई, यूं चलते चलते 1911 में मौलाना सुल्तान महमूद शाह की सिल्वर जुबली होनी चाहिए थी लेकिन ना हो सकी। में होनी चाहिए लेकिन मैं 1911 की इसलिए बात कर रहा हूं कि उस वक्त ऐसी कुछ चर्चा चल रहा था। हुआ क्या कि प्रिंस अली खान से पहले एक लड़का था सुल्तान महमूद शाह के घर में, उसका नाम था प्रिंस मेहदी। वो 1910 के आखिर में गुजर गए छोटी उम्र में, इसलिए और जो कुछ भी बन रहा था वो सब बंद हो गया। लेकिन जब 1935 में सुल्तान महमूद शाह की गोल्डन जुबली हुई तो सारी दुनिया को पता लगा कि आगा खान की सिल्वर जुबली एक गोल्डन जुबली है और गोल्ड में तोला जाएगा। सारी दुनिया में ये पहली दफ़ा मौका था कि आगा खान का नाम और इस्माइलियों का नाम आ गए। ये जुबलियाँ बनाने का मौला को पैसा जमा करने की कोई बात नहीं थी क्योंकि मौला ने पैसा लिया भी नहीं, वापस काउंट को दे दिया। बात यह थी कि ये जुबलियाँ दुनिया के अंदर फैलावा करने के लिए, प्रोपेगेशन करने के लिए कि इस्माइली नाम की एक कौम है, उनका मालिक आगा खान है ये। और इसके फौरन दूसरे बरस 1936 में जनवरी की 19 तारीख को बॉम्बे में सोने के अंदर सुल्तान महमूद शाह तोले गए और दूसरे वर्ष 37 की अगस्त महीने के अंदर मौलाना सुल्तान महमूद शाह को लीग ऑफ नेशंस का प्रेसिडेंट बनाया गया। सारी दुनिया के प्रेसिडेंट और राजाओं महाराजाओं के ऊपर उसको लीग ऑफ नेशंस का प्रेसिडेंट बनाया, प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, सुल्तानुल अजीम। हसन अली शाह माँ बाप कहा करते थे कि ये सुल्तान है, ये सारी दुनिया का सुल्तान बनेगा इस तरह। और ये इशारे गिनानों में हैं, इस तरह से ये मामला आहिस्ता आहिस्ता गए 1000 बरस के अंदर गिनानों की मारिफत से हमारे सामने आया। मैं आपको बात करूं, 3 लाख इस्माइली थे 1935 गोल्डन जुबली की तुला विधि जनवरी में हुई, मगर है हकीकत में 35 में। सुल्तान महमूद शाह को मानने वाले 3.5 लाख कुप्तियों के साथ हिंदुस्तान में इस्माइली जमात थी और हमको सुल्तान महमूद शाह के बॉडी को वजन करके दुनिया को दिखाना था कि हमने अपने इमाम को सोने में तोला है। उसके लिए हमें 3,20,000 रुपए की ज़रूरत थी। सबजली मिशनरी को 1.5 बरस लगा, 1.5 बरस 3.5 लाख 3 लाख जमा कर, 3.5 लाख जमा करने थे लेकिन 3 लाख हुए। 1.5 बरस लगा, पैसे नहीं थे लोगों के पास कि 3 लाख आदमी मिल के 3 लाख रुपया जमा न कर सके।
और जब ही मौला को कांटे के ऊपर रखा, स्केल के ऊपर सबदली मिशनरी सोना डाल रहे हैं, 19 जनवरी 1936 हसनाबाद के अंदर लाख आदमी है, आगे पीछे अंदर बाहर सबदली मिशनरी स्केल में सोना डाल रहे हैं, मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह वो घी तोलने का जो कांटा होता है इसमें ऐसा बैठे हुए हैं जिस तरह कुर्सी पे बैठे हैं, सारा सोना ख़त्म हो गया और इमाम अभी भी दुनिया भर में ऐसा नीचे हैं, कांटा ऊंचा है, रंग फक हो गए लीडरों के। इधर खबर पहुंची सोना ख़त्म हो गया, शाबाश औरतों की, शाबाश बंगड़ियाँ उतार डाली, कांटे आपने इयरिंग उतार डालिए, गले के हार निकाल डाले, टोपियां भर के छोना चला आता है, सोना थोड़ा है अभी तक कांटा हिला नहीं। सबदली मिशनरी मौला के सामने आके हाथ बांध के खड़े हो गए, मौला ये पांव ऊपर कर। जमीन के साथ पांव लगे हैं, जमीन पांव कैसे छोड़ेगी। मौला हंस पड़े, थोड़ा सा सोना बाकी रह गया था इसके मन में वो डालेगा, जैसे ही इसने पांव ऊंचे किए कांटा ऊपर आ गया, दूसरे सोने की जरूरत नहीं पड़ी। सारी दुनिया के अंदर ये खबर गई कि आगा खान को उन्होंने तोला है, खाली आगा खान को नहीं तोला, उसके बूट भी तोले हैं, उसके कपड़े भी तोले हैं। ये कोई गिमिक नहीं था, ये एक प्लांड चीज थी कि सारी दुनिया के अंदर ये हो जावे कि आगा खान नाम की कोई व्यक्ति है। चलो इमाम ने अपने ये सारा पैसा कबूल करके एजुकेशन के लिए कौम को दे दिया। अफ्रीका के अंदर अफ्रीका वालों ने गोल्डन जुबली बनाई तो मौला ने ये पैसा उनको इंश्योरेंस कंपनी बनाओ ताकि तुमको ये तुम्हारे बिजनेस में मदद वगैरह करे, जुबली इंश्योरेंस कंपनी। हमारी जमात एजुकेशनली इकोनॉमिकली कमर्शियली बढ़ती रही बढ़ती रही। 3 लाख रुपए हिंदुस्तान की जमात में 1.5 वर्ष में न हुए और अब मौका आया है डायमंड में तोलने का। दुनिया में पहले से हो रहा था डायमंड में तोलने का, डायमंड में तोलने का। इतने डायमंड लाओगे कहाँ? 246 पाउंड 246 पाउंड सुल्तान मोहम्मद शाह का वजन था और डायमंड जुमे में आधा पाउंड पड़ गया। आपको मालूम है इंडिया के अंदर जुदा, अफ्रीका में जुदा, दोनों जगह हीरों के तोलने के लिए, हीरों को खरीदने के लिए या हीरों को लेने के लिए जमात ने 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ शिलिंग और इधर 70 या 75 लाख रुपए जमा किए। साउथ अफ्रीका की हीरे की खान वाली कंपनी से हमने हीरे उधार लिए, किराए पे लिए कि हम हीरे लेके वजन करके मौला को फिर तुमको ये वापस दे देवे और जितना तुम्हें पैसा चाहिए उसका किराया दे देवे। उन्होंने कबूल किया और उन्होंने एक पैसा नहीं लिया, हीरे की कंपनी ने, डायमंड कंपनी ने कुछ पैसे नहीं लिए, लेकिन जो खर्च हुआ वो खर्च उन्होंने लिया। मगर मैं ये कहना चाहता था कि 3 लाख रुपए या 3.5 लाख शिलिंग इकट्ठा करने में सख्त तकलीफ हुई, लेकिन 1 करोड़ शिलिंग जमा करने में तकलीफ नहीं हुई।
लोग मौला के मुरीद इतने मालदार बन गए, मोटरें आ गई, बंगले आ गए। मेरे को याद है, मैंने वो गाड़ी भी देखी है, गोल्डन जुबली जब हुई फिर सदरुद्दीन की माँ के साथ, बेगम हेनरी कैरोन के साथ मौला अफ्रीका आए, उस वक्त हमारे दारुसलाम की जमात में एक बड़ा मशहूर आदमी था, इस्माइल हाशमानी, खूब नाम था उसका। वो एक ही आदमी था कि जिसके पास एक मोटर थी, सेकेंड हैंड मोटर थी, मगर वो मोटर इतनी अच्छी नहीं थी। तो जमात ने एक हिंदू को, बहुत मालदार शख्स था, उसको कहा कि तू मोटर दे मौला को बिठाने के लिए, तो उसने मोटर दी। लेकिन सुल्तान महमूद शाह जब भी आए और सी प्लेन से उतरे तो मोटर के लिए दरवाज़ा खोला तो सब पूछते हैं ये मोटर इस्माइली की है। प्रेसिडेंट ने कहा नहीं खुदावंद, इस्माइली के, इस्माइली के पास कोई मोटर नहीं, वो मोटर है मगर आपके बैठने के लिए कि मैं वहाँ बैठूँगा, उस हिंदू की मोटर में नहीं बैठे, साहब अपने मुरीद की मोटर में बैठे। मंडप में आके दुआ शीश वगैरह दिए, सफ़र में इंशाल्लाह मैं जब दूसरी दफ़ा आऊँगा, ये बात कभी की है 1937 की, मैं जब दूसरी दफ़ा आऊँगा तो घरों घर मोटर होगी। दूसरी दफ़ा कब आया, 1945 में, तो घरों घर मोटर थे, बंगले थे। जमात को उठाने के लिए उसकी दुआएं ज़रूरी थी, पैसे इकट्ठे किए सारी दुनिया में मशहूर करने के लिए, उसके लिए जो मेहनत की उसके बदले में जो दुआसीस मिली, तो घरों घर लोग मालदार बन गए, जमात की इकोनॉमिक कंडीशन ऊँची हो गई। अब क्या होगा, मैं मुंह नहीं खोलना चाहता और नहीं खोलूँगा, मगर आप देखोगे इंशाल्लाह बहुत दूर नहीं है, 6 महीने 6 महीने बाकी हैं, गोल्डन जुबली के बाद क्या होगा, आपकी आंखें ऐसी लग जाएगी, ऐसा होगा, अजीब चमत्कार होंगे। चमत्कार का मतलब ऐसे जादू मंत्र नहीं, मगर जो होने वाला होगा आप देखोगे इंशाल्लाह, देखोगे देखोगे आपकी आल औलाद भी देखेगी। तो ये जो जुबलियाँ थी, इमाम की जुबलियों के पीछे भेद था, भेद था मजहब की शायद, प्रोपेगेशन ऑफ इस्माइली फेथ, लोगों को इस्माइली बनाने के लिए नहीं, लेकिन उनको पता लगे कि दुनिया के अंदर इस्माइली कौम एक है और दुनिया के अंदर इमाम है। किस तरह पता लगे, अल्लाह कहता है ए लोगों, अभी देखो इसके अंदर या अय्युहन नास, ए इंसानों, इसमें हिंदू मुसलमान काफर मोमन सब आ गए, कद जकुम बुरहानु मिन रब्बिकुम, हमने भेजा है तुम्हारी तरफ एक जाहिर प्रूफ, व अनज़लना अलैकुम, और हमने नीचे उतारा है नूर मुबीना, जाहिर नूर, यानी अल्लाह सारी दुनिया के इंसानों को कह रहा है कि नीचे मैंने प्रूफ भेजा है वो कुरान है, और नूर भेजा है वो इमाम है। अब ये चीज कि जो कुरान शरीफ में 1300 बरस पहले आ गई, उसको जाहिर करने के लिए, फैलाने के लिए, काम करने के लिए क्या होना चाहिए, दुनिया को पहले कहना चाहिए कि ये कौन है। कोई मौलवी उठ के कह सकता है कि मैं आले रसूल हूँ, ये कहता है। जैसे ही तख्त नशीन हुआ 20 बरस की उम्र में, तो इमाम ने कहा कि आई एम द होल्डर ऑफ द नूर ऑफ इमामत, इसने इस बात का डिक्लेरेशन किया है। ये डिक्लेरेशन सारी दुनिया के लिए इस आयत के हिसाब से है कि अल्लाह ने जो दुनिया के अंदर कुरान और नूर भेजा है, तो किस तरह से अब ये चीज़ जाहिर हो रही है।
हज़र इमाम ने अपनी जमात की तरफ थोड़ा सा मुंह फिरा लिया है और बाहर दूसरी दुनिया में घूम रहा है, ये सब उसकी प्लानिंग है। और इमाम को तंग मत करो, ये मौला आके दीदार दे, आके दीदार दे, अपने दिल के अंदर उसका दीदार पाने की कोशिश करो, इबादत करो। लेकिन इमाम को जो काम करना है उसको वो काम करने दो। वो घरों में जाएगा, फिरेगा, घूमेगा, यूनिवर्सिटियों में बनाएगा, अस्पताल बनाएगा, यूनिवर्सिटियाँ बनाएगा, सारी दुनिया के अंदर वो अपनी मौजूदगी, अपनी प्रेजेंस का एहसास देना चाहता है और वो दे रहा है। डायमंड गोल्डन जुबली के बाद हज़र इमाम दुनिया भाने हमारे पास बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, बहुत कम आएंगे, और उसको बहुत कम आना पड़ेगा, बहुत कम आना पड़ेगा, इसलिए कि जो उसको बाहर का कामकाज करना है। दीनदारों, मैं अपनी आवाज़ों में कह चुका हूँ, आपको याद कराऊं कि आज से 100 बरस पहले पाकिस्तान के इस्लामाबाद में उस ज़माने का इमाम राज करेगा, तख्त पे बैठेगा। और ये बातें भी किनानों में लिखी हुई हैं, मेरे पास उसकी तारीख भी है, ईयर भी है, पीरों ने सब कुछ बताया है, पीर ने उसका दिन बताया, कौन सा वार होगा, कौन सा महीना होगा, कौन सी तारीख होगी, कौन सा बरस होगा, कहाँ होगा, कितने बजे होगा, यहाँ तक कहा गया कि दोपहर के 3 बजे। बाकी का मैं राज एक दफ़ा बता चुका हूँ बहुत बरस पहले, लेकिन अब मैं रिपीट करना नहीं चाहता, वो टाइम आ रहा है। हमारी तीसरी पीढ़ी, ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रेन इंशाल्लाह उस चीज़ को देखेंगे। उस काम के लिए ये सब कुछ इमाम कर रहा है। कम बख्ती हमारी ये है कि जिसके हाथ में स्टीयरिंग है वो गाड़ी चलाना नहीं जानता। आपको मालूम है ये चौघड़िया क्या है? चौघड़िया निकाल दिए गए क्योंकि समझ नहीं आती। चौघड़िया क्या है? इन चौघड़ियों में उस जमाने के इमाम की जब सवारी होगी तो पीरों ने उसके लिए हमें इशारा किया है। ये वार होगा, ये टाइम होगा, ये महीना होगा, ये तारीख होगी, ये ईयर होगा, ये जगह होगी, ये सारे चौघड़ियों के अंदर हमारे पीरों ने दिया है। और पीर सदरुद्दीन ने चौघड़िये इंट्रोड्यूस कराए और जमात को कहा कि हर जुमेरात को चौघड़िया, क्योंकि उस दिन जुमेरात होगा, मौला जिस दिन तख्त पर बैठेगा उस दिन जुमेरात होगा, थर्सडे होगा। तो पीर सदरुद्दीन ने कहा कि तुम एवरी थर्सडे जमात खाने में चौघड़िया बोला करो, इस बात की याद ही रहे तुम्हारे अंदर के इमाम एक दिन नसवारी करेगा और सारी दुनिया पे राज करेगा, सारी दुनिया पे। वो याद ही रहने के लिए एवरी थर्सडे जमातों के अंदर चौघड़िया बोलने का पीर ने हुक्म किया कि जिसको हमने, मैंने अभी कहा, स्टीयरिंग तो है लेकिन गाड़ी चलानी नहीं आती, चौघड़िया बंद कर दिया, चौघड़िया की तस्वीर बंद कर दी, ये बंद कर दो, ये तोड़ फोड़ दो, क्योंकि हमें इल्म नहीं। इन वजहों से ये चीज़ें बन रही है, वाजें बंद कर दी, क्योंकि वाजों करो तो ये बातें करी ना, वाजें बंद, घर पर बैठो, जो मर्जी में आए वो करो, लेफ्ट हैंड से नियाज पियो या खाली उंगली, मैंने देखा नियाज की प्याली में उंगली डाल के चूस के चले गया। हाँ, आज ये हालत है हमारी जमात की, नियाज की प्याली में, नियाज की प्याली नहीं पीनी, उंगली डाल के चूस के चले गए, शुक्रित भी नहीं ली। आज ये हालत है हमारा। मगर याद रखो, सच्चे जो हैं वो सच्चे रहने वाले ही हैं और खोटे तो यूं भी निकल जाएंगे,
मजहब खराब हो गया है। तो पिछले दिन फरमाया कि हर थर्सडे को चौगड़िया पढ़ो और जमात शुक्रगुजारी की तस्बीह निकलती है कि हमको हमारे पी सदर दिन ने हमें ये खबर दी है, इसका शुक्राना। इस तरह हमारे पीरों ने हमें ये सब बताया है। ए मोमिनों, हजर इमाम ने देखा, इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह के टाइम में जुबलियों की जो जरूरत थी वो पूरी हो गई। अभी सारी दुनिया को सब पता है कि आगा खान कोई ऐसी हस्ती है कि जिस जैसी हो दूसरी हस्ती सारी दुनिया में कहीं नहीं। अपने तो अपने, दुश्मन भी तारीफ और वखान कर रहे हैं इमाम हाजरी का। इसलिए मौला ने लीडरों को कह दिया कि मुझे तुलना नहीं है। मैंने LIF को एक लेटर लिखा था 3 साल पहले और उसकी कॉपी मैंने हजरत इमाम को भेजी थी। मैंने कहा था कि हम मौलाना हजरत इमाम को बाहर नहीं लेकिन सारी जमात की तरफ से एक तोहफा देवें गोल्डन जुबली के प्रोग्राम के अंदर कि 11 जुलाई 2007 में हजर इमाम के घर पे एगलेमो के अंदर मौला तैयार हो के स्केल पे खड़ा हो गए और उस वक्त 11 जुलाई को 2007 को जितना मौला का वजन हो गए इतना उसको सोना पेश किया जाए सारी दुनिया की जमात की तरफ से मेहमानी के तौर पे, तोलने के लिए नहीं। लेकिन हजरत इमाम ने कबूल नहीं किया। बाबा फरमाया मुझे तोहफे नहीं लेने, मुझे ये चाहिए कि तुम सेवा करो। और 25 या 30 जगहों के ऊपर हजरत इमाम जाएंगे इंशाल्लाह और वहां जाके अपनी गोल्डन जुबली मनाएंगे जमात के साथ। हजर इमाम जब फरमान करे, अभी तक उसकी तरफ से कोई ऐसा हुक्म बार नहीं पड़ा और भी अंदर अंदर बहुत सी बातें चीतें हो रही हैं। इंशाल्लाह जनवरी या फरवरी में इमाम इस चीज़ को बार डिक्लेयर करेंगे। हमारा काम क्या है? वो कहते हैं कि मुझे सर्विस चाहिए और हकीकत में इसको सर्विस इसलिए चाहिए कि सारी दुनिया की जमातों के अंदर गरीब हैं, बीमार हैं, बूढ़े हैं, अशक्त हैं, वीक हैं, उखड़े हुए हैं, ऐसी बहुत से दुख की चीज़ें हमारी जमातों के अंदर हैं कि जो हम अपनी सर्विस करके इन लोगों की मदद कर सकें और इनको रास्ता दिखा के इनको रास्ते पर लगा सकें। माँ बाप ये चाहता है कि गिनानों के अंदर जो प्रॉमिस किया हुआ है कि स्वामी राजो राज करे रिखी सर खुश रहे सुखी रहे, इमाम को दुनिया के अंदर नहीं चाहिए कि उसका बच्चा दुनियावी तौर पे दुखी होवे। इमाम ने बसा औकात ऐसा निशान किए हैं लाल पेंसिल के साथ कि मुझको ये जो पावर्टी लाइन के नीचे इस्माइली हैं मुझे ये नहीं चाहिए, कोई इस्माइली दुखी नहीं चाहिए, कोई बच्चा इस्माइली बच्चा पैसे की तंगी के खातिर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी न जा सके, मौला फरमाया मुझे ये नहीं चाहिए। पैसे के कारण से कोई आदमी इस्माइली बच्चा इलाज न कर सके अपनी ट्रीटमेंट न कर सके, मौला चाहे मुझे ये नहीं चाहिए। ये तमाम चीज़ें इस गोल्डन जुबली के टाइम पे सेटल होने वाली हैं।
स्कूल बनेंगे, कॉलेज बनेंगे, यूनिवर्सिटियाँ बनेंगी और लोगों उसके जाने के रास्ते बन रहे हैं। मैं आपको आज एक खुशखबरी कहूँ जो कि आप में से किसी को पता होगा, चित्राल के अंदर सुनी है, सुनियों का बड़ा जोर है, शियाबुद थोड़े हैं, उसमें हम इस्माइली भी हैं। आपको जो याद हो तो 4 बरस पहले चित्रालियों ने, सुनियों ने हमारा जमात खाना जला दिया था, कुछ लोग मार डाले थे, कुछ जख्मी हो गए थे, चित्राल के अंदर बड़ी गड़बड़ थी। और चित्रालियों ने, मेरे पास चित्राल का एक अब्दुल्ला नाम का मौलवी है, उसने एक लेटर लिखा था पाकिस्तान गवर्नमेंट को, उसमें हेडिंग उसका ये है कि आगा खान नॉर्दर्न एरिया के अंदर अपनी हुकूमत बना रहा है, यानी मौलाना हज़र इमाम इधर चित्राल और हुजा के इलाके के अंदर अपना राज कायम करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से इन हालात के अंदर हमारी जो एजुकेशनल सोसाइटीज़ हैं, इन्होंने वहाँ एक वेंचर शुरू किया चित्राल में, 3 बरस हुए, और वो ये था कि हमारी लड़कियों को, औरतों को लिखना पढ़ना सिखावे, उर्दू अलिफ बेती सिखावे, फिर पढ़ना सिखावे। मैं आपको बोलूं कि इस वक्त ये 3 बरस के अंदर तकरीबन 30,000 जितनी औरतें लिखना पढ़ना सीख गई हैं। तो उन लोगों के अंदर हमारे खिलाफ जो जज्बा था वो डाउन हो रहा है, मौला उनको टेम कर रहे हैं। इसी तरह से हुंजा तो खैर अपनी सल्तनत है, उधर तो कुछ भी है, सारी दुनिया के अंदर मौलाना हज़रत इमाम इस वक्त लोगों को सिखा रहे हैं, इल्म सिखा रहे हैं, इलाज कर रहे हैं। ये इमाम की प्लानिंग में है, क्योंकि सारी दुनिया में आज से 100 बरस के बाद उसको राज करना है, और उस ज़माने में जब इमाम राज करेगा तो उस वक़्त इसको जो उसकी प्रजा मिलेगी वो प्रजा बहुत पढ़ी लिखी, बहुत हेल्दी होगी। हमारे पीरों ने एक और भी इशारा किया है कि नाम यूं ही सीधी सादी लैंग्वेज नहीं है। पीर कहते हैं कि झाड़े छिका बांध से जब कयामत आएगी, जब ये मौला दैत कालिंदा के साथ लड़ेगा, बर्बादी होगी, लोग मारे जाएंगे। पीर कहते हैं कि दैत कालिंदा के लश्कर को मारने के लिए 64 करोड़ सांप निकलेंगे। लो बोलो, सांप की पॉपुलेशन बताई पीर हसन कबीर दीन ने, 64 करोड़, 640 मिलियन सांप निकलेंगे कि जो उसके सिपाहियों को काट के मारेंगे। इतनी डिटेल हमारे गिनानों में है, आसमान से बिजली गिरेगी, उसका जो गोडाउन वगैरह होंगे वो जल जाएंगे, हवा नीचे से पानी निकलेगा, फ्लड्स आएंगे, बीमारी फूटेगी, इन तमाम इशारों से दुनिया बर्बाद होगी। और आखिर में कितने बचेंगे? 2.5%, 97.5% पॉपुलेशन बर्बाद होगी। आपको ये बातें कोई नहीं कहेगा, लेकिन मैं छोड़ जाता हूँ, मेरी मौत के बाद भी ये लोग सुनेंगे और याद करेंगे। और फिर क्या होगा? फिर कहते हैं झाड़े छिका बांध से रहने के लिए घर नहीं होंगे, लोग दरख्तों के नीचे रहेंगे, और खाने पीने की चीज़ें टोकरी बांध के झाड़ के साथ बांध देंगे ताकि जानवर न खावे उसको। झाड़े छिका बांध से
तो झाड़े छीका क्यों बांधेंगे? महल में रहना है, मकान में रहना है, रेफ्रिजरेटर नहीं है, दरख्त के नीचे लोग रहेंगे, इतनी दुनिया में बर्बादी होगी, रहने के मकान नहीं होंगे। ए मोमिनो, अपने मजहब को जानो, पहचानो, खासतौर पे गिनान करो, गिनानों को सीने से लगाओ, इसमें सब कुछ है, बहुत सी चीजें अंदर हैं, बहुत सी चीजें, हिसाब बगैर की चीज। गिनान सीखो, इन गिनानों में जो इमाम की बातें की हुई है, उन बातों से पढ़ने से आदमी को सुकून मिलता है, सारी दुनिया का राजा बनेगा, सारी दुनिया इमाम को कबूल करेगी। उस पाठ को याद करो, दुनिया नु अंधारो दूर थसे, दुनिया की आंखें बंद है, अंधेरा है कि अंधारो दूर थसे, यानी ये कौन है? ये अंधेरा दुनिया का दूर होगा, दुनिया नु अंधारो दूर थसे, थाई से ते एक वर्ण, सारी दुनिया में एक ही वर्ण होगा। यूं भी अभी से शुरू हो चुका है, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इस्माइली सब आपस में शादियां कर रहे हैं, हमारी जमात के अंदर ही कितने बहुत सी किस्म के शादियां हो रही हैं। आस्ते आस्ते सारी दुनिया एक ही हो जाएगी। अथर्ववेद में भाखिया सर्वे आव से अली नबी ने शर, ऐसा लिखा हुआ है गिनानों के अंदर कि जितने भी लोग दुनिया के हैं सब अली नबी के पांव में आएंगे, हजर इमाम को मानेंगे। हम जिस नजर से मानते हैं शायद इस नजर से न माने, लेकिन इसको वो मानेंगे। ये बात बनने वाली है, और आज से आने वाले, मैं कह चुका हूं, पहली जनवरी 2000 में नॉर्थ जमात खाने में मेरी जो वॉइस थी उसमें मैंने ये जिक्र किया है कि ए मोमिनो, ये सेंचुरी दुखों से भरी हुई सेंचुरी है। इस सेंचुरी में लोगों को दुख बहुत मिलेंगे, बीमारी बहुत मिलेगी, भूख मरा होगा, बेघर होंगे, फ्लड्स आएंगे, धरती कंप आएंगे, ये सारी जितनी भी आफतें बलाएं हैं इस सेंचुरी में बढ़ती जाएगी। इसमें बचने का एक ही रास्ता है, हजर इमाम की प्रोटेक्शन मांगो, उसको याद करो, इबादत करो, नेक अमाल करो, अच्छे काम करो और सादा जीवन गुजारो, ताकि मन के अंदर दुख पैदा ना हो। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि जिनके लिए हमारे पीरों ने हमें अपने गिनानों के अंदर इशारे किए हुए हैं। इन तमाम चीज़ों के सामने मैं आपके सामने हाथ जोड़ के कहता हूँ, ए मोमिनो, जमात खाने रोज जाओ। जमात खाने जाने से आपको मौला की प्रोटेक्शन मिलेगी, रूहानियों की दुआएं मिलेंगी और इमाम के घर की बरकत मिलेगी। जमात खाने रोज जाओ, कोई बहुत काम आया है तो आओ, पहली दुआ पढ़ के चले जाओ, लेकिन जमात खाने आओ, जहां तक बन सके जमात खाना मत चूको। रात को नहीं बन सकता, दिन के वक्त सुबह, सुबह नहीं बनता शाम को, होना तो चाहिए दोनों टाइम, मगर कम से कम एक वक्त 24 घंटे में एक दफ़ा जमात खाने रोज आओ, मौला को याद करो, उसका शुक्राना अदा करो, उसको हमा वक्त याद करो। उसने हमें एक रास्ता बताया है कि सारा दिन अल्लाह अल्लाह करते रहो, याली याली करो, या मोहम्मद कहो, हज़रत जुमे का नाम लो, किसी भी इमाम का नाम लो, मतलब ये कि एक सेल फोन अपने पास रखो कि वो सेल फोन हज़रत इमाम का सेल फोन हो, किसी न किसी वक्त उसको चलते चलते बैठे बैठे ड्राइविंग करते करते उसको याद करो, अल्लाह अल्लाह करो, अली अली करो, या मोहम्मद करो, हज़रत इमाम का नाम लो, शाह करीम हज़रत इमाम।
इस तरह उसके साथ कॉन्टेक्ट रहे। तो इस कॉन्टेक्ट के साथ फरिश्तों का कॉन्टेक्ट, रूहानियों का कॉन्टेक्ट आपके साथ रहेगा, बदलो बुराइयों से, आफतों बलाओं से इंशाल्लाह बचोगे, और मौला आपको आपकी आल औलाद को बचावे, हमेशा अपनी पनाह में रखे, अपनी छत छाया में रखे, मौला अपनी बख्शीशों में रखे, आपको आपके आल औलाद को नवी नवी बख्शीशें नवाजिश करता रहे, सेहत व तंदुरुस्ती देवे, बीमारी बला दूर करे, रोजी रोजगार में बरकत दे, कभी भी आपको ज़मीन पे गिरने न देवे। मौला आपको आपकी जितने भी दुनियावी काम काज है, मजहबी काम काज है, उनके अंदर आपको मदद करे और अपनी बख्शीशें भेजे। सुखी रहो, आबाद रहो। भाई बहनों और भाई साहेब, आपने के खरा अंतर ना उम्र का थी जो भावना पर संदेश आपेला है, ये खरेखर आपने गोल्डन जुबली ना वर्ष दरमियान याद कर अपना दिल अंदर एनु रटन करवानु छे। बोला आपने सर्वे ने એની અંદર સફળતાઓ આપે, આપણે હલવાઈ તમારે દુઆઓ કરીએ કે ખુદા મોલાના હાજરીમાં અમને તંદુરસ્તી ભરેલું લાંબુ આયુષ્ય આપે, વધારે સેવા કરવાનું અલ્લાહ હિંમત શક્તિ અને તક આપે, દીન દુનિયાની અંદર વિચરતી કરે, કોઈનો મોહતાજ ન કરે, એમના કુટુંબની અંદર સંસાર એકલાસ મોહબ્બતની અંદર વધારો કરે, હકીકતની સમજ આપે, ઈમાન દીદા નસીબ કરે। હવે આપણો ટાઈમ બહુ બાજુમાં આવતો જાય છે, 10 મિનિટ માટેનો ખાલી બ્રેક છે, રિફ્રેશમેન્ટ આપણે 10 મિનિટ પછી 12 વાગ્યા પછી રાખશું। હમણાં સ્ટ્રેચ યોર લેગ એન્ડ કમ બેક ઇન પ્લીઝ 10 મિનિટમાં, વિલ સ્ટાર્ટ અગેન એન્ડ ધ તસ્બી રાઇટ અવે। થેન્ક યુ યાર।